इंग्लिश ग्रामर का जो आपका एक टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन, ठीक है, तो ये आज आपका लास्ट वीडियो है प्रीपोजिशन में। इससे पहले इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जितने थे वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है। जिसको भी एक कमांड करना है प्रीपोजिशंस पे, तो वो क्या करेगा, जो प्रीवियस वीडियो जो सीरीज दी है आपको 1 2 3 करके, तो उसको आप वन बाई वन जो है वो देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और उनको लर्न करिएगा, तो सारे प्रीपोजिशन आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो उसमें था कि कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे थे कि जिनके हमने रूल्स दिए हुए थे कि इस कंडीशन में ये वाला अप्लाई होगा, इस कंडीशन में ये वाला अप्लाई होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे कि जैसे लिखा हुआ वर्ड्स फॉलोड बाई अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनके बाद में डेफिनेट प्रीपोजिशन की ये वाला ही आना है, ठीक है, तो वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो जैसे ये हमने यहाँ पे वर्ड नोट कर दिए हैं, ऑफ है, जैसे ऑपरेट ऑफ, एज्यूम्ड ऑफ, एशेंट ऑफ, बोस्ट ऑफ, क्योर ऑफ, कैपेबल ऑफ, तो ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये सब कैसे लिखे हुए हैं आपके, कि जिनके बाद आपको ऑफ ही यूज करना है, ठीक है। अब जैसे बहुत से वर्ड होते हैं, ये गेट रिड ऑफ फ्रेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, इसके मीन्स होता है छुटकारा पाना। तो इसमें हम लोग क्या होता है, जैसे लोअर क्लासेस में आता है, 10th में 9th में इसमें सब आ जाता है, या 11th 12th में आता है, यू मस्ट गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स, यू मस्ट गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ है, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ के पैलेस, इस तरह से हो गया आपका। ऑन बिहाफ ऑफ है, ऑन बिहाफ ऑफ, इसका मीन्स होता है ओर से। दिस मीटिंग इज ऑर्गेनाइज, दिस मीटिंग इज ऑर्गेनाइज ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये वर्ड आपको लर्न करने पड़ेंगे और इनके साथ हमेशा क्या यूज होना है, ऑफ का यूज होना है। इसके बाद आता है आपका फॉर, तो फॉर में क्या होता है, जैसे ये कुछ वर्ड यहाँ पे भी नोट है, ये भी लर्न करना पड़ेगा आपको। फेमस है, तो फेमस के साथ में क्या आएगा, फॉर आएगा, फेमस फॉर, फिट फॉर, नोटोरियस फॉर, अनफिट फॉर, रेडी फॉर, सच फॉर, सॉरी फॉर, बोथ फॉर एंड वेट फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिंगल वर्ड से कि जहां पे ऑफ लगाना है और यहाँ पे फॉर लगाना है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनके साथ में कंडीशन है कि एक से ज्यादा प्रीपोजिशन वहां पे यूज हो सकते हैं, तो वो कुछ जो मेन वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको यहाँ पे नोट कर दिए हैं। जैसे एग्री है, एग्री के साथ में क्या आएगा, टू आएगा, अगर यहाँ पे कोई प्रपोजल दिया हुआ है, जैसे आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, प्रपोजल है तो वहां पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। और मैं तुमसे एग्री करता हूं, आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्री विद राम, तो अगर पर्सन है तो वहां पे एग्री के साथ क्या आएगा, विद आएगा। अगर कोई प्रपोजल है तो वहां पे एग्री के साथ क्या यूज करेंगे, हम टू का यूज करेंगे। सेम थिंग यहाँ पे है, एग्री, अब एग्री एट है तो थिंग है तो वहां पे एट लगाएंगे, अगर पर्सन है तो वहां पे क्या लगा देंगे, हम विद लगाएंगे, ठीक है। एंग्री विद राम, एंग्री विद श्याम, ठीक। अप्लाई, पोस्ट है तो पोस्ट में अगर अप्लाई है तो वहां पे फॉर लगेगा, और पर्सन है तो वहां पे क्या लगेगा, टू लगेगा। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, बॉर्न है तो बॉर्न के साथ में देखिए थ्री प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, ठीक है। प्लेस है तो वहां पे इन करेंगे, क्या करेंगे, इन का यूज होगा, बॉर्न इन लखनऊ, बॉर्न इन दिल्ली, इस तरह से। अगर पर्सन है, पर्सन का नाम लिया जा रहा है तो बॉर्न टू मिस्टर दिस, बॉर्न ऑफ, अगर फैमिली की बात हो रही है तो वहां पे क्या होगा, यूज ऑफ का यूज होगा। तो इस तरह से बॉर्न के साथ में थ्री प्रीपोजिशन का हम यूज कर सकते हैं। डील में आ जाएंगे, थिंग है तो वहां पे इन होगा, पर्सन है तो वहां पे क्या होगा, विद होगा, ठीक है। डील विद राम, डील विद श्याम, डील इन, अगर कोई थिंग आ रही है तो वहां पे इन का यूज कर देंगे। ग्रेटफुल में टू आएगा, टू आएगा पर्सन के लिए, एंड ग्रेटफुल फॉर अ थिंग, थिंग के लिए क्या आएगा, फॉर आएगा। अब यहाँ पे दो ये दिए हुए, क्योरल, क्योरल के साथ में अगर पर्सन है तो पर्सन होगा तो क्योरल के साथ क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, और अगर थिंग है तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे, ठीक। अब लास्ट आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ एन एक्शन, अगर एक्शन है तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या यूज किया जाएगा, फॉर का, और अगर पर्सन है तो रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का। तो
तो इस तरह से ये हमने आपको एक टॉपिक प्रीपोजिशन जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच में था वो हमने आपको एक कंप्लीट कराया है। तो फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि इसके जितने भी वीडियोज हैं वन बाय वन करके आप देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। अगर कोई प्रीपोजिशन आपको डाउट करता है तो आप मैसेज करके हमसे इसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके।